कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। इस बीच गीतकार मनोज मुंतशिर कंगना के सपोर्ट में उतरे हैं। उन्होंने सिख समुदाय के लोगों से विरोध रोकने की अपील की है। मनोज का कहना है कि इस फिल्म को सिर्फ कंगना ने नहीं बल्कि 500 क्रू ने मिलकर बनाया है, जिनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी क्योंकि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छी बात है, लेकिन ये सर्टिफिकेट का खेल आधा अधूरा क्यों खेला जा रहा है? पूरा खेलना चाहिए। लगे हाथ एक और सर्टिफिकेट हमसे छीन लेना चाहिए कि हम अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे छोड़िए ये महानता का ढोंग, एक फिल्म तो हमसे बर्दाश्त हो नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इमरजेंसी से? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या दिखाई गई है। तो क्या इंदिरा जी की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई थी, असैसिनेशन नहीं हुआ था उनका? प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को सिख दिखाया गया है, तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह सिख नहीं थे? कहते हैं सिख समुदाय को फिल्म के इन हिस्सों पर आपत्ति है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ओंकार सतनाम बोलकर सच्चाई के साथ बेखौफ खड़े होने वाले सिख किसी फिल्म में दिखाए गए सच से डर गए हैं। सिख भारतवर्ष के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। जब सर पे केसरी पगड़ी बांध के निकलते हैं तो पूरा देश उन्हें इज्जत से देखता है, क्योंकि उस पगड़ी की हर सिलवट से हमारे महान गुरुओं का शौर्य झांकता है। अरे सिखों का दर्शन समझना है तो गुरु नानक देव, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह को समझो। सतवंत और बेअंत जैसे हत्यारे जिसकी सुरक्षा करने की सौगंध उठाई, उसी के बदन में गोलियां उतार दी, कोई अपने होशो हवास में इनको हीरो कैसे मान सकता है? और अगर ये हीरो थे तो लांस नाई करम सिंह क्या है, जिन्होंने 1948 में पाकिस्तानी घुसपैठियों के सीने में संगीने गाड़ दी और परमवीर कहलाए? सूबेदार जोगिंदर सिंह क्या है, जिन्होंने 62 के युद्ध में अकेले 50 से ज्यादा विश्वासघाती चीनियों को मार गिराया और भारत माता की जय बोल के दुश्मन की कैद में वीर गति को प्राप्त हुए? गिनवाने पे आ गया तो नंबर सिस्टम फेल हो जाएगा, मैं फिर भी सिख हीरोज के पूरे नाम नहीं गिनवा पाऊंगा। सतवंत और बेअंत के गुनाहों का मुआवजा 84 में निर्दोष सिखों को देना पड़ा। ये भारत के इतिहास का उतना ही काला पन्ना है जितना इमरजेंसी। लेकिन सिखों ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, भारत से दुश्मनी नहीं की। सरहदों पर प्राण देने वालों की सूची बनाइए, 84 के बाद भी सिखों की गिनती किसी से कम नहीं निकलेगी। ऐसी वीर जाति एक फिल्म से डर जाए, ये मानने से मैं इनकार करता हूँ और आह्वान करता हूँ अपने सिख भाइयों बहनों का, आगे बढ़िए। कंगना रनौत जी से आपको जो भी शिकायतें हैं उन्हें अदालतों में ले जाइए, उसका फैसला जुडिशरी करेगी। ठीक नहीं, कुछ डरे सहमे हुए लोग पूरी सिख कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते। कहिए कि आपकी सच्चाई ना किसी फिल्म की मोहताज है और ना किसी फिल्म से डरती है। रिलीज के बाद अगर आपको लगे कि फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है तो उसका विरोध कीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा। हमने आपकी मानवता और न्यायप्रियता पर हमेशा विश्वास किया है। हम जानते हैं कि जिन सिखों के बुलंद दहाड़ों से कभी औरंगजेबों के कानों के पर्दे फट जाते थे, वो सिख किसी दूसरे की आवाज को दबाने के हक में खड़े नहीं हो सकते। मेरे और करोड़ों भारतवासियों के इस विश्वास को टूटने मत दीजिए। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। तो मनोज मुंतशिर को आपने सुना और बाकायदा उन्होंने कहा भी कि आखिरकार इमरजेंसी की जो फिल्म है उस पर रोक, रिलीज पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बाकायदा कहा कि ये फिल्म जो है वो सिर्फ कंगना की तो है नहीं, और भी 500 लोग या बड़ी संख्या में जब भी कोई फिल्म बनती है तो क्रू मेंबर्स होते हैं, और साथ ही उनका अर्निंग जो स्थिति है यानी उनका अर्न भी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो कम से कम उन 500 लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए। और बाकायदा वो कहते हुए भी नज़र आए, तथ्यों के साथ कहते हुए भी नज़र आए कि इस फिल्म पर आखिरकार जो अभी जो रिलीज़ टाल दी गई है या रोक लगा दी गई है वो क्यों नहीं होना चाहिए।